एक्शन। ओके, डेट में टॉक अबाउट लास्ट टाइम। मैं उस लड़की के साथ डेट पर गया, सेकंड डेट। आई थिंक डेट वॉज गोइंग परफेक्टली फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था। एंड नाइस एम्बियंस, शी वॉज नाइस, इंटेलिजेंट, और 7.5 out of 10। नो, वेट, आई थिंक 7 इज बेटर। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अपना बिल आया। उसके पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। अरे भाई, जैसे ही वेटर ने टेबल पर बिल रखा, और वो मैडम, वो तो महिला, मतलब महिला शक्ति पर भाषण दिए जा रही थी। ऑब्वियसली शी वॉन्टेड मी टू पे द बिल। अरे क्यों भाई, लॉबस्टर किसने मंगवाया? उसने, एंड आई हेट लॉबस्टर। महंगी वाइन किसने मंगवाई? उसने, एंड यू नो आई लाइक बियर। और कैवियर, yeah, ooh, who eat fish eggs यार। और इतना सब होने के बाद अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि बिल वो पे करे, सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अरे आजकल हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, वो कहीं पे भी उनसे पीछे नहीं है, तो प्रूव इट ना। अगर मैंने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि वो बिल पे करे, तो इसमें गलत क्या है? क्यों हमेशा क्या लड़के ही बिल पे करेंगे? सॉरी। और देखो, बात पैसे की नहीं है, बात है प्रिंसिपल्स की। एंड हाँ, मेरे ख्याल से 7 जरा ज्यादा हो गया। आई थिंक शी इवन कांट डिजर्व मोर देन 4। और रॉबिन, 9.5 के ऊपर तो लड़कियों को खास डालता है।